से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। बड़वानी पुनर्वास बसाहटों में गहराए जल संकट, पानी नहीं मिलने के कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन के नेतृत्व में ग्राम बिलखेड़ा बसाहट के लोगों ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण PHE विभाग बड़वानी पहुंचकर कार्यालय का घेराव करते हुए समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्राम बिलखेड़ा पुनर्वास बसाहट के विस्थापितों के द्वारा पानी की समस्याओं को लेकर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण कार्यालय बड़वानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले विस्थापित महिला पुरुषों ने मिलकर अपनी समस्या को लेकर विभाग का घेराव किया। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण PHE विभाग अधिकारी को आवेदन पत्र दिया गया। उसमें विभाग को बताया गया कि भिलखेड़ा पुनर्वास बसाहट पर नर्मदा पाइपलाइन भी ठीक नहीं है, समय पर पानी नहीं मिलता है, सभी जगह पानी का कनेक्शन विस्थापितों को नहीं लगा कर दिया गया है। बोरवेल है जिससे बहुत कम पानी मिलता है, एक बोरवेल नाले के पास है, उससे सभी विस्थापित पानी पीते हैं। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण PHE विभाग के अधिकारियों ने जल्द समस्या का समाधान किया जाएगा, इसी आश्वासन पर विस्थापितों ने अपना धरना समाप्त किया। पानी के लिए आए हैं यहाँ पर। पानी की बदली समस्या गंभीर समस्या है। जैसे बड़वानी जिले की 36 बसावट जो बनाई है, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण NVDA के द्वारा जो निर्माण किया गया 2001 से लगाकर अभी तक, मतलब 18 साल के बाद भी पुनर्वास पूरा नहीं हुआ है। आज भी पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। पिछली बार 2017 में टेंडर हुए, 2018 में टेंडर हुए, 30 अप्रैल 2018 तक नर्मदा जितनी बसावट बनी बड़वानी 36 बसावट, सभी बसावटों में नर्मदा पाइपलाइन करके देना था। जो पाइपलाइन करके दी उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जो पाइप गुणवत्ता वाले नहीं है। तो आज भी विस्थापितों को पानी नहीं मिला, जिसके लिए आज विस्थापित NVDA कार्यालय PHE विभाग में आए और उनको अवगत करा कि आज भी पानी की दिक्कतें हैं। तो ऐसे ही करता रहा, बड़ा आंदोलन का एक रूप लेगा। सरकार को चेतावनी दी गई है NVDA कार्यालय को, अब इससे समस्या रहेगी तो हम लगातार बड़ा आंदोलन करके आपको सामने वो करेंगे। और क्या समस्याएँ जा रही हैं? जैसे पुनर्वास स्तर पर बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं जो मिलना चाहिए था, जो आज भी नहीं हुआ। एक तरीके से मंत्री जी बोलते 20 जून तक सब कुछ काम करेंगे। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल बोर्ड 20 जून तक सब कुछ मूलभूत सुविधाएं की जाएगी। दूसरे तरीके से उनके ही अधिकारी जो है, बाकी मूलभूत बसावट जो देखी जाए बड़वानी की, तो उन पर मूलभूत सुविधाएं आज भी नहीं। जैसे रोड जर्जर स्थिति में पड़े हैं, जो नालियाँ नालियों का निर्माण किया गया वो भी जर्जर स्थिति में पड़ी, आज भी पानी तो पानी भरेगा। जैसे मूलभूत सुविधाएं है, बिल्डिंग जो बने बिल्डिंग भी खराब स्थिति में है। तो जो स्थिति है, तो जो आज भी पूरा पुनर्वास नहीं हुआ, आज भी लोग दर्द भटक रहे हैं। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री बाला बच्चन बड़वानी जिले के अंजड़ पहुंचे, जहां उन्होंने